देख लो घोड़ा, असली घोड़ा बोलते हैं उसको, असली घोड़ा कितने का मालूम है क्या? 10 खोखे का 10 खोखे का किधर मिलता है मालूम है? एज गोल्ड फॉर्म पे, किधर? मुमरा में, क्या कौसा में। तो घोड़ा जिसको देखना है तो एज गोल्ड फॉर्म पे आइए मेरा भाई। हाय गाइस, मेरा नाम है रोशन, नाम तो सुना होगा, नाम से लोग अड्डा वीडियो। गाइस आज मैं आया हूँ एएच गोट फार्म पे। यहाँ पे कुछ बकरे हैं भाई जो कि यहाँ पे पले हुए हैं, उनको देने हैं। तो ओके, लगभग 6 या 7 कितने तो बकरे हैं तो बताएंगे एक एक करके, और इनका पलाई का सेटअप भी है तो उसकी वीडियो भी आ जाएगी। आप देख सकते हो उन्होंने बहुत सारे बकरे बनाए हैं, ये सब पूरे, ये देखो। तो ओनर से बात करते हैं और आपको शौक कराते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, बा खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम भाई? अतीक। आज अपन एज गोट फार्म पे आए हैं, आज अपन क्या देखने वाले भाई? भाई कुछ सोजत है, बोर है, ओके, फैंटम है, ओके, ब्रीड है सब, मिक्स ब्रीड है। तो आप अभी पहला बकरा आपके हाथ में है, ठीक है, क्या नस्ल में भाई ये? सोजत में। सोजत के अंदर है भाई, जो गुल्लर के पत्ते खा रहा है, प्रॉपर ना, गुल्लर के पत्ते है, ठीक है। वजन में क्या रहेगा भाई? वजन इसका आएगा 20-22 किलो। 20-22 किलो आएगा ये? अपना मतलब नाप वेट किया हुआ नहीं ना? नहीं, अंदाजा बता रहे ले, ठीक है, 20-22 किलो हो सकता है। बाकी सोजत के अंदर आएगा माशाल्लाह। और कब से अपने पास ये? भाई इसको आके 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया है। पिंक है एकदम, पिंक है, देख लो भाई, व्हाइट सींग माशाल्लाह, माशाल्लाह, मार्बल सींग है। और खुर देख लो भाई, बच्चा है, बच्चा लेन का है, ओके माशाल्लाह, खा रहा पी रहा एकदम है, और माशाल्लाह 1.5 महीना फार्म से सेट है अपना। कितना मांग रहे अपन लोग? कितना मांग रहे अपन? 10,000। ये आस्किंग है, फाइनल है अपना, आस्किंग मतलब कम की गुंजाइश है, ठीक है। नंबर बोल दो, फोन नंबर आपका? 9702 6120 59। नंबर सामने लिख के आया, नंबर नीचे भी मिल जाएगा। ये अपना एक ही नंबर है, एक और एक नंबर है, अल्टरनेट एक ही नंबर है, चलेगा। तो ये पहला बकरा था, सोचा कैसे पूरी मतलब डाली खत्म कर दी है बारे के अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह, सेट बकरा है भाई, 1.5 महीने से यहाँ पे सेट है, वैक्सीन कम्प्लीट है, पीपीआर एफएमडी अपना ऐसा पलाई का भी है ना? जी पलाई का, समझो ये बकरा मेरे कोई कस्टमर लेता है तो पलाई क्या लोगे बकरी की? ये अगर मेरे पास से लेके पालने के लिए छोटे तो उनके लिए 2,000 से अपने स्टार्टिंग है, 2,000 रुपया, ठीक है चलेगा। और कितने वेट तक रहेगा मतलब? ये 50 किलो तक, 50 किलो तक 2,000 रुपया रहेगा, मतलब वो ईद तक तो 2 दांत का बच्चा हो जाएगा आराम से भाई, देख सकते हैं पहला बकरा है, ठीक है। नेक्स्ट बकरा देखते हैं अपन। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, अपना ये दूसरा बकरा है, नस्ल कौन सी भाई? पतीरा के अंदर, ठीक है माशाल्लाह। क्या वेट पे होगा ये? वेट में आएगा 35 तक, 35 से, ठीक है 30 किलो का हो सकता है ये बकरा, ओके माशाल्लाह। ये तो अंदाजन वेट है, वेट तो करे नहीं भाई ने, ठीक है। बाकी गुलाबी है पूरा माशाल्लाह, देखे गोल वोल है चेहरा माशाल्लाह, लेंदी है। और कब से अपने पास ये? भी भाई 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। सारी प्रॉपर जो वैक्सीन है तो सब प्रॉपर है, अपने पास फार्म में जो भी जानवर मिलेगा सबकी कंप्लीट वैक्सीन, सबकी कंप्लीट वैक्सीन है, ठीक है चलेगा माशाल्लाह। क्या मांग रहे हो इसका? 16,000। आस्किंग प्राइस क्या? फाइनल है, ठीक है 16। भाई ने कोड किया है, हो जाएगा ना कम इसके अंदर माशाल्लाह। थोड़ा चलाओ, थोड़ा आगे करो। वैसे ये बकरा खुला था बता दूं मैं, 4 बकरे के साथ, रस्सी की आदत नहीं है उसको, ये केज में, हाँ खुले रहते क्योंकि बच्चे रहते छोटे, तो एक केज के अंदर, बड़े केज में रहते। और माशाल्लाह है भाई गुलाबी है, देखो ना बहुत बहुत गुलाबी है, ठीक है ठीक है चलेगा चलेगा, ठीक है नेक्स्ट बकरा देखते हैं। गाइस क्या चीज़ है यार, क्या चीज़ है माशाल्लाह, कौन सी ब्रीड में आएगा भाई ये? फैंटम में आएगा, लिलीपुट के अंदर, पर कलर भाई माशाल्लाह। यहाँ हमारे साथ रियाज भाई भी है, रियाज भाई क्या बोलोगे कलर के बारे में? बस अल्हम्दुलिल्लाह भाई अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा ना माशाल्लाह, आसामी कलर मिल जाते हैं। और उसके बाद जो बेंटम के नॉर्मल व्हाइट कलर तो एकदम लोकल है, वो तो नॉर्मली मिलते हैं। ये मोस्टली कलर ना मालवे के अंदर, मालवे, हाँ भोपाली मालवे आते हैं, भोपाली मालवे और जीरापुरी जो रहते हैं पत्ते कान के मालवे, उसमें मिलते हैं ज्यादा करके, नॉर्मली नहीं मिलते। बाकी बहुत अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, क्वालिटी है, दो माशाल्लाह। कब से अपने पास भाई ये? भी 2 महीना हो गया, चीजें रुकता नहीं है भाई, एक जगह पे माशाल्लाह, क्या कलर है भाई, धूप में सुबह के दिन वीडियो निकालते तो और ही अलग ही लगता था, और माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा उसका पूरा वो कलर है,
खाली मुंह पे ना व्हाइट कलर आया हुआ है। हाँ मस्त लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, बिस्किट कलर है, एक नंबर चीज है। क्या मांग रहे अपन इसका? 16,000 रुपया। पक्का कॉल उठाओगे ना भाई? जी जी ना मालूम बड़ा बिक गया 16 उठ पाए ऐसे। ये चीज बहुत प्यारी है, देना है। ट्रेडर भी है मेरा, अपना पालाई का फार्म नहीं नहीं भाई, चीज है भाई, बहुत प्यारी चीज है। 16 रुपए आस्किंग है तो कस्टमर आएंगे। नहीं नहीं बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज है भाई। आप दिन में आओ एक बार देखो, विजिट करो फार्म पे, आपको अच्छा लगेगा बकरा। बहुत प्यारी चीज है, कान वान और सिक्के विक्के भाई, और कलर का तो बादशाह है भाई, कलर का तो बादशाह है। हाँ भाई कलर का तो माशाल्लाह, कलर का भी बादशाह। और भाई कैसा मालूम, लुक वाइज भी अच्छा है और बच्चा भरा हुआ है। और दूसरी चीज है ना भाई, वो और उठ के क्यों आ रहा है पता है क्या? क्योंकि वो नीचे से फाउंड कलर है, बॉडी फाउंड कलर है, और मुंह व्हाइट कलर है, प्लस से गुलाबी मुंह, तो माशाल्लाह और ज्यादा अच्छा दिख क्या रहा है। अच्छा बच्चा है, अगर कोई शौक करना चाहता है और किसी के पास 2-3 फीमेलें पड़ी है और ब्रीडिंग के लिए रखना चाहता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसा बच्चा दो, क्योंकि रुबाब भी है, बॉडी वेट भी अच्छा है, बना हुआ है, सेट है, सबसे बड़ी बात तो फार्म का सेट बकरा, फार्म का सेट बकरा। और वैक्सीन वगैरह होती है, अपन लोग भी इन लोगों से लेते हैं और अपन लोग भी इन लोगों को अच्छे काफी हद तक माल देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज है। लो अपन तो फुल गारंटी के साथ अपन लेंगे क्या? हाँ भाई लो, अच्छा बकरा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं उसके अंदर। खिलाए पिलाएगा तो छोड़ो, पीछे देख लो पूरे तुअर का पूरा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हर चीज मिलेगा, हर चीज खिलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर बोलते एक बार फिर से, 9702612059। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा बकरा भाई, बस नजर से बचा अल्लाह पाक, यही बोलूंगा भाई, बहुत प्यारी चीज है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या पेटी है भाई, माशाल्लाह भाई। बोर है ना भाई ये? बोर में ये अपने फार्म का बोन हुआ है क्या? मतलब नहीं नहीं भाई, नहीं ना, परचेज किए हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, 5 महीने का बच्चा है। अपने पास कब से ये? ये भी 2 महीना हो गया। एक साथ आए, छोटे बच्चे जो दिखाया है, जो माल अपना सोचा था, और वो अपना पतीरा सब साथ के, सब साथ में। ठीक है, चीज देख लो आपके सामने भाई। ठीक है, और इतना देखो पूरा खाना खाने का भी, अभी गुल्लर के पट्टे का वो ले रहा, फायदा ले रहा है भाई, एक नंबर चीज है भाई। पेटी देखो भाई, कितना वजन रहेगा भाई इसका? 32-36 हो सकता है, 36 के तो है आराम से, क्योंकि बोर में भाई बोल नहीं सकते क्या रहता है वेट, प्रॉपर ऊपर ही रहता है, कभी कभी ज्यादा कम बोलते तो ऊपर ही रहता है। बाकी चीज देखो, पैर वैर देख लो भाई इसके, डबल हड्डी का बच्चा है माशाल्लाह। देखो भाई आगे से डबल हड्डी देख लो, कलर भी अच्छा लाया है माशाल्लाह। क्या मांग रहे अपन इसका? 17,000 आस्किंग का फाइनल है, आस्किंग है ना, चलेगा माशाल्लाह। इसका एक जोड़ीदार भी है ना अपने पास, ठीक है वो भी देख लेते। ठीक है नेक्स्ट देख भाई, ये नेक्स्ट है बोर, ओके सेम इसके साथ में रहता है। और ये देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें बड़ा है उससे, ठीक है माशाल्लाह। ये भी हो ही 5-6 महीने का, 6 महीने का ना। देखो भाई ये कैसे ना, फार्म के नहीं है, घर के पले हुए बच्चे, घर के पले हुए बकरे, ब्रीडिंग हो तो उसके लिए कंफर्म एज बता सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ से लाया वो घर के पाले हुए। अजी ये उसमें उम्र में बड़ा है तो वेट में भी बड़ा रहेगा, वेट में थोड़ा सा 1-1.5 किलो ज्यादा फर्क रहेगा। ठीक है चले, है भाई एक्टिव है, सारे बकरे तुम्हारे एक्टिव है भाई माशाल्लाह से, सारे बकरे एक्टिव है, वो देख रहा खा रहे पी रहे मस्त है। पेटी एटी भी देखो एकदम चौड़ी है, पेटी का है एकदम नीचे तक जा रही एकदम, और बोर पफ वाला है देखो माशाल्लाह, खाने में थोड़ा मगन है वो। ठीक है, और वो इस तरह इस देखो, सीधा दिखाओ ना खाली उसका, ये देखो माशाल्लाह, ये देखो। अरे 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 मोबाइल पे मार देगा जम भाई। ठीक है, क्या मांग रहे अपन इसका? 17,000 रुपये। ठीक है, कुछ कम होगा इसमें? थोड़ा सा हो जाएगा ना। नंबर बोल दो एक बार, 9702612059। ठीक है, नंबर सामने आ रहा है बकरा, एक बार फिर से देख लो आप, ओके। और जिसको जोड़ी में देना रहा कुछ ऑफर जोड़ी में भाई, 32 की जोड़ी हो जाएगी। ठीक है चलेगा भाई, माशाल्लाह आपके सामने है, देख लो माशाल्लाह पेटी देखो। और इसकी पलाई अपन कितनी लेंगे? अभी बोर है भाई, इसकी पलाई 2000 रुपया। ऐसा नहीं कि बोर ज्यादा खाता है तो खाने की बात नहीं भाई, यहाँ से लिए हुए, क्यों मेरे को वैक्सीन इनकी नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ। 3 महीने मेरे को कोई वैक्सीन नहीं करना, ये वैक्सीन हुए हुए बच्चे, ओके ओके, तो इसके लिए मैं इनका कम कर रहा हूँ। अब बाहर से आप लाओगे बकरा, उसका वैक्सीन चार्ज अलग होता है, पलाई का चार्ज अलग होता है, और ये मेन मेरे को सेट नहीं करना है, ये सेट है बस, खाली जो बंदा लेगा खाली बस वो खाली ईद तक इंतजार करे, कुर्बानी करना रहेगा तो बस खाली वही है। ठीक है, कुछ वैक्सीन का चार्ज कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं, वैक्सीन का चार्ज कुछ नहीं, डीवॉर्मिंग सब हो गया, सब क्या दिखा रहे हो भाई? आपको जो बोर बच्चे दिखाया जी जी जी, उनका रिजल्ट दिखाऊंगा जो कैसे तैयार होंगे, 2000 पे बच्चे इनका जी सेम ऐसे तैयार हो जाएंगे, 2000 अभी फ्रेश किया,
क्या वजन पे आएगा? 55-56 इंच इसका वेट आएगा। कब से अपने पास ये अभी 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया ठीक है। और क्या वेट पे आया था मतलब? ये इसका रजिस्टर में चेक करना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा ठीक है चलेगा। बाकी ऐसा रिजल्ट होगा भाई, मेरे को लगता है इससे अच्छा ही होगा माशाल्लाह। क्योंकि जो बच्चे में बता रहा हूं अभी फ्रेश दूध, जो आपका जो वाला जो बोर है ना पहले और दूसरा वाला, उसकी जो पेटी ना भाई और मतलब वो है और कमा वमान भी अच्छी है भाई। जहाँ तक मेरी नजर है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है बकरी की, माशाल्लाह सिक्के की भी माशाल्लाह अच्छे है उसके जी। और पैर भी मोटे डबल हड्डी में, डबल हड्डी में वो मतलब एकदम प्रॉपर। जिसने पाल, जिसके आप बोला किसके घर के बकरे थे, अच्छे से पाला जिसने, इसके बाद मेन स्टार्टिंग के साथ में नहीं मतलब वो रहता है, अच्छे से पालोगे ना फिर जो बाकी का जो 80 किलो का टारगेट ना एकदम इजीली हो जाता है। बचपन में दूध पिलाएंगे हाँ, अच्छे ग्रो करते हैं। और एक माँ का बच्चा भी फर्क पड़ता है भाई, वो कभी कभी 2-3 बच्चे साथ में रहते तो उसमें कौन सा थोड़ा कमजोरी हो जाती है। एक है खैर, तो मेरा तो फार्म नहीं है पर इतनी कुछ कुछ चीजें मालूम है मेरे को भी। ठीक है भाई, और अपन क्या दिखने वाले भाई? और एक बरबरा है। कौन सा वाला भाई? ये बरबरा है, ये बरबरा है। देना है आपको ये जी, ये इसे दिखा देते, ये देख लो। वाइट आइज में पुरानी ब्लड लाइन का बच्चा है, वाइट आइज ओल्ड लाइन, ओल्ड ब्लड लाइन। ओके, असल में ये वीडियो अदर पे शूट हुई थी आपकी। ओके, आपको कभी दिन में एक बार विजिट करना होगा। और क्या मांग रहे हैं इसका? मैं इसकी 35 मांग रहा हूं। 35 मांग रहे हैं। वेट में क्या है? वेट में इसका 50 आएगा। आपके पास वेट मशीन है मतलब? वेट मशीन है, अंदाजे से बता रहा हूं, जो भी वेट आएगा आपको डिटेल मिल जाएगी। डिटेल मिल जाएगी मतलब वेट की, आपको पर्सनली कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, बकरा कब से अपने पास? ये अला बकरा भाई 3 महीने हो गए। ठीक है माशाल्लाह, इसकी वैक्सीन कंप्लीट है माशाल्लाह। इसकी पलाई कितनी लोगे आप? कितना आपने वेट बोला आपने? कितना अभी वेट कितना है इसका? वेट में बताया मैं, जो वेट रहेगा अंदर तक, अंदर तक कितना वेट रहेगा? 50 के आसपास आएगा। 50 के आसपास, तो इसकी पलाई कितनी? 2500 जैसी होगा, रेट बढ़ जाएगा। ठीक है सर। और बड़ा बकरा 80 किलो के ऊपर बकरा देता है कोई तो कितना भाई? अपने 3500 से ऊपर कुछ नहीं आएगा, 3500 के ऊपर नहीं आएगा। 120 किलो का बकरा बने तभी 3500 रुपए रहेगा ना? 120 किलो का बकरा रहा तो अगर रहा तो मोस्टली 100 पे ही मतलब 100 पे, उससे ज्यादा वेट बकरे मतलब लोग पलाई पे रखते नहीं, रखते उससे ज्यादा वेट पे। और वो कुर्बानी आ जाती है, या ऐसा कोई रहता है कि 80 किलो का बकरा ले देता और 110-105 तक वो हो जाता है ज्यादा मतलब उन लोग 3-4-5 साल के ऊपर ज्यादा एज हो जाती है इसलिए वो चलेगा। अभी 4-6 दांत का बकरा जो है 80-90-100 प्लस करता है, बराबर उससे ज्यादा उसकी रखने की कैपेसिटी है। हाँ, कोई कोई बच्चे होते हैं जो अदन में 75-76 होते गुजरी में होता है, गुजरी में। अभी आपको एक बच्चा दिखाऊंगा मैं, अभी फ्रेश 2 दांत का है। आप हाइट और साइज देखेंगे बोलेंगे भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बच्चा 2 दांत का। ठीक है, जो ऑडियंस को दिखा दे, बेचने पर वो क्या नहीं, वो बिका हुआ है दिखाने के लिए। ठीक है, दिखाते जो बकरी की बात कर रहे थे, कितने वेट पे ये? 2 दांत पे 72 पे मैंने इसको खरीदा था। हाँ, ट्रांसपोर्ट में 4 दिन, अभी बीच में वो मोर्चा वर्चा था तो 4 दिन ट्रांसपोर्ट में टूट गया था जी। अभी 50 प्लस है। और अभी फ्रेश 2 दांत लगा है, अभी ये फ्रेश 2 दांत लगा है जी। और मैं देख रहा हूँ आपके जो बाड़े है, आपके मतलब खस्सी के लिए भी अवेलेबल है जी। तो खस्सी का क्या प्राइस है पलाई का? इधर आइए थोड़ा, साइज के ऊपर बच्चे जैसे वीड में बताया सबके लिए, थोड़ा ये साइड आइए ताकि चेहरा दिख नहीं रहा आपका। हाँ जी बोलिए। अभी ये बच्चे अपने 3-3 हजार वाले, 3-3 हजार वाले। हाँ, अच्छा 3-3 हजार वाले, मतलब खस्सी अंडों का कुछ मतलब नहीं, खाली जो सेम प्राइस है ना, सेम प्राइस है बस अपने पास भरा ही नहीं है। और खिलाई पिलाई में क्या आप दे दो? ये मिक्स ब्रीड है, तुअर है, हरी पत्ती है। तुअर हरी पत्ती में खुद देखा सामने आपने, गोनी गोनी एक एक टंग मंगाए आपने तो देखा। हमने पूरी गाड़ी आती है जंगल से, यहाँ से परवड़ता नहीं है, परवड़ता नहीं। यहाँ का रेट जो है, अगर हम लोग वो रेट में पालेंगे तो बकरों मतलब पलाई महंगी हो जाएगी, पलाई महंगी हो जाएगी, तो कस्टमर को अफोर्ड नहीं कर पाता है कोई इसके लिए। बाहर से आता है तो अपन ये रेट में दे रहे। मैं तो बोलूंगा AH गोट फार्म को मौका दो, मुमरा के अंदर है। ओके, ज़्यादा लंबा भी नहीं इतना, आप स्टेशन से ट्रेन से भी आके मतलब शेयरिंग रिक्शा करके भी आ सकते हो यहाँ पे। ओके, मतलब इतना लंबा भी नहीं, भिवंडी पड़गा जाने की वो भी नहीं है, बाकी मुमरा के अंदर ही, मुमरा के अंदर ही आता है, एकदम टेंशन नहीं है। बाइक से भी आता है, बाइक से भी सिटी में, मेन बस सिटी में, सिटी में आउटसाइड नहीं, रास्ते का प्रॉब्लम हो, जंगल हो, कभी आने में प्रॉब्लम। ये 24 घंटे RCC रोड, एकदम कॉन्क्रीट रोड है, पूरी सिटी के अंदर है ये। अपने 125 एकड़ का फार्म है माशाल्लाह, उसके अंदर कुछ चार अभी कितने केजेस खाली अपने अंडूल के लिए भाई? अभी माशाल्लाह अपने पास 39 केज बने हुए हैं, 39 केज बने हुए अपने पास। उसके अंदर 2-4 केज खाली है और यहाँ पे
मतलब 16 के जाने वाले, 16 के जाने वाले जी, वो थोड़ा काम रुक के रखे इलेक्शन ठीक है, इलेक्शन भी रुक के रहेगा ठीक है, ठीक है हो जाएगा। बाकी और कुछ बकरा देना है आपको बेचने के लिए जी? है ठीक है देते हैं, चलो ये तो बकरे इनके और है जो बताने की बात कर रहे हैं। चार दांत पे बीटल, ये भी बिक गया ना सब, ये सब सोल्ड आउट, सोल्ड आउट हो गए। ये सिरो भी बिक गया ना, ये भी बिका हुआ है ठीक है, ठीक है चलेगा। जो कौन सा अभी कितने बकरे बताने के अपने भाई, वहाँ पे दो बकरे, दो बकरे चलेगा चलेगा। गाइस एक और एक बकरा है और माशाल्लाह बहुत प्यारी चीज है भाई ये भी, क्या सिंधी में आएगा, सिंधी मालवा, सिंधी मालवा ओके, सिंधी और मालवा मिक्स है। और वेट में कितना होगा भाई, 45-46 हो सकता है, माशाल्लाह हो सकता है, बकरा है भाई भरा हुआ है और फरी बकरा है, फरी बकरा भाई इसमें वेट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इंसान। हाँ हाँ वो तो अब जो भी वेट आएगा लाइव वेट बता देंगे, ये नहीं भाई 45 बोले तो पकड़ के रखना। हाँ बराबर ऊपर नीचे होता ही है भाई, क्योंकि फरी बच्चा उसमें वेट में थोड़ा इंसान कंफ्यूज होता है, होता है। ये अपन ने वेट तो किए तो है नहीं, खाली बस अंदाजा बता रहे, अपन लाए सेट किए वैक्सीन किए, कितना इसको भी 1.5-2 महीना हो गया अपने पास, 2 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। और अपना ये इसका क्या मांग रहे हैं आप अपन, 17,000 फाइनल ठीक है, 17,000 इसका मांग रहे आपके सामने ठीक है। जो बकरे बता रहा हूँ ना, ये असल में आप दिन में आओगे ना आपको सारे बकरे अलग लगेंगे ठीक है, कल संडे भी है ओके, कल आओगे तो आपको भाई और विजिट करो, लाइव देखो और समा सौदा करो भाई, क्योंकि मुमरा में ही है, लंबा भी नहीं है, ओ खेलता भी है माशाल्लाह 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 है भाई चीज है। ये अपना सेकंड लास्ट बकरा था, एक और एक अपना है बकरा जो कि मालवा है, मालवा वो अपन दिखाते ठीक है। गाइस अपना ये लास्ट बकरा है ओके, दांतों में कितना भाई, भाई चौथा लगा रहा है, चौथा लगा है, ये मालवा है ओके। इसके अपने बाल निकालेगा भाई, ये बाल निकालेगा भाई, फिर भी एकदम शाइनिंग आ रहा है एकदम एकदम, वो जो नागौर के बकरे थे ना उसके जैसा, बाकी चीज बहुत है, 4 महीने का मतलब ईद के बाद ना, मतलब इसके पहले का आइएगा। ये हमने फार्म का ही बकरा अल्हम्दुलिल्लाह, और भाई मैं खुद अभी देख के हैरान हो गया हूँ, हालांकि मैं दिया था बहुत छोटा था, छोटा दिए थे और माशाल्लाह भी बहुत अच्छी हाइट लेंथ खोल दिया है, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह, पुन नहीं दिए थे और क्या बोलते हैं, और बहुत अच्छे रेट में दिए थे, सस्ता भी नहीं दिए थे, बहुत अच्छे रेट में दिए थे। अभी भाई क्या मांग रहे, बाकी इतना बोलूंगा माशाल्लाह रिजल्ट अच्छा लाया इसके ऊपर। और भाई ये बकरा अगर रिया कोई खरीदता और लोग पलाई पे देता है तो इंशाल्लाह बकरा इतना लगे ना, मेरे अंदाज से और मेरे एक्सपेक्टेशन से 80-90 किलो कहीं नहीं यार रोहित भाई, इसका वेट भी आराम से भाई। और भाई ये वेट लगभग लगभग आना चाहिए भाई 45-48 आएगा इंशाल्लाह, 45-48 आराम से भाई, 50 के आसपास है, कांटे पे भी लगाएंगे ना इंशाल्लाह ताला भाई, अगर ऐसा है तो आपको वीडियो के बाद मैं कांटे पे चढ़ा के दिखाऊंगा 45-48 और हालांकि मैंने बहुत टाइम पहले दिया था रोहित भाई इसको, हाँ लगभग लगभग समझो ना बकरा ईद के पीरियड पे दिया था, उससे भी 1 महीना पहले, 5-6 महीना लगभग पकड़ के चलो, 5-6 महीना अभी, 7 महीना है बकरा ईद को, 5-6 महीना अभी बहुत अच्छा हुआ। भाई ने एक सवाल में भी दे दिए, 7 महीने कोई बकरा लेता है तो आपकी क्या गुंजाइश है, मतलब कितना पलाई पे आपके पास रखते हैं तो कितना आप गेन करके दे दोगे बकरा है भाई, बकरा अब बकरे के ऊपर है, बकरे की हमारा काम है खिलाना, वो जितना दाना उठा सकता है उसकी, हमारे पास ये नहीं भाई इतना है तो इतना ही देना, टाइमिंग है, वो 1 किलो दाना उठाता तो हम 1 किलो खिलाते, आधा किलो उठाता जो जानवर आधा किलो दाना उठाता। नहीं माशाल्लाह रोहित भाई लोग का पलाई का रिजल्ट अच्छा है, क्योंकि कैसा है मैंने मेरा पर्सनल बकरा मैंने खुद है ना 90,000 का खरीदा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से बहुत ऊपर रेट में मंगे जा रहा था, गुलाबी तोतापुरी था पैचेस में और पूरा पिंक था, बस खाली यहाँ पे चॉकलेट कलर था उसको ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई इन लोगों के पास दिया था, मेरे इधर कैसा मेरा ट्रेडिंग का काम है तो मेरे पास ऑलमोस्ट माल आते जाते रहता है, उसमें वाला तो बकरा वो थोड़ा वो टूटता है बकरा है। तो मेरे टूट रहा था, बीमार हो रहा था और फिर फोड़ी फुंसी वगैरह भी थी उसको, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिया था अतीक भाई को और अतीक भाई ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया था और बच्चा बहुत अच्छा मेरा बना के दिया, तो खिलाने पिलाने का टेंशन नहीं है। मोस्टली मैंने फार्मों पे क्या देखा मालूम भाई, एक नाप रहता है उन लोगों का, स्कूप रहता है, एक स्कूप, दो स्कूप, एक फिक्स रहता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के मैंने खुद पर्सनली आगे देखा हो भाई, इन लोग कैल्शियम चलाते हैं, लीवर टॉनिक चलाते हैं, फिर शार्को फेरवॉल चलाते हैं, और जो बकरे को जरूरत है तो अपने पास से मल्टी स्टार मल्टी फोटेक्स वगैरह भी चलाते हुए मैंने देखा हो मेरे बकरे पे इन लोगों ने किए भाई, मैं दूसरों का नहीं बोल रहा हूँ और ना दूसरों को गारंटी दे रहा हूँ और ना सजेस्ट कर रहा हूँ किसी को, बट मैंने जो मेरे बकरों पे देखा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, जो मैंने देखा हो, तो
तो मैं वो चीज बता रहा हूँ, तो कस्टमर समझेंगे, व्यूअर्स समझेंगे कि भाई दोस्त यार है, लेन देन चलता है, तो वैसा कुछ भी नहीं भाई। अपन टेक 10 फैक्ट बोलते हैं अपनी वीडियो में भी, जो बकरों में कैल्शियम जिस चीज की कमी रहती है हम लोग उसको चेक करते हैं, वो हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ठीक है, चलेगा। आपने इसका प्राइस तो बताया नहीं, कितना कितना बोल रहे हैं? 28 आस्किंग प्राइस वो फाइनल फाइनल थोड़ा महंगा बच्चा है, महंगा बच्चा, क्वालिटी भी है, क्वालिटी है एकदम फुल सेट, कलर वाइज भी अच्छा है भाई। ठीक है, बाल वाल और इसके आएंगे तो और अलग ही लगेगा भाई, माशाल्लाह चार दांत पे। बारिश में नहला नहीं पा रहे थे, इनसे लोग ज्यादा गंदा हो गया था, वो कलर नहीं छूटा था जो पेशाब का कलर। और ये फार्म पे एक और एक सरप्राइज चीज है ये, ओके भाई की ज्यादा तो मैं थोड़ा कैमरा घुमा दूं दूर से दिखा देता हूँ। ये देखो, किसी भाई को घोड़े का शौक है तो घोड़ा देखने के लिए आ सकते हैं, फुल व्हाइट घोड़ा है भाई एकदम माशाल्लाह देखने के लिए। माशाल्लाह टर्की भी है यहाँ पे, टर्की सब कुछ, बहुत सारी चीजें है। संडे के दिन आइए दोपहर के टाइम, आपको एकदम अच्छा एटमॉस्फेयर भी अच्छा है यहाँ का और बहुत कुछ दिखने को। तो एकदम बोला क्या चीज है, इतना बड़ा बकरा कहाँ से खड़ा हो गया, पीछे से देखा तो आगे गया तो देखा घोड़ा है वो चीज है। कुछ नाम था घोड़े का? नहीं, सुल्तान नाम, सुल्तान नाम है। ठीक है भाई माशाल्लाह, इससे पहले जो था उसका नाम अजान था, ये सुल्तान है और दो और थे वो सेल। तो आप सोचो तुम दो घोड़े, दो बंदा घोड़ा वाला बकरा कैसे पालेगा, ये आपको सोचना चाहिए। सही बोल रहा है रियाज भाई, गलत बोल रहा हूँ मैं? सही बात। तो बंदा घोड़े में भाई आदमी की पूरा ताकत निकल जाती है। नहीं, घोड़ा पालना भाई कैसा है, थोड़ा मुश्किल होता है। घोड़ा अगर आउट ऑफ कंट्रोल होता ना, तो उसको जो घोड़े को पालता है, जिसको पता है कि क्या लगाम पे घोड़ा कंट्रोल होता है, क्या लगाम पे क्या चाल चलता है और घोड़ा क्या करने मंग रहा है क्या नहीं करने मंग रहा है, तो वो हिसाब से घोड़ा पालना पड़ता है भाई। ये बराबर। और उसकी खिलाई पिलाई भी, खिलाई पिलाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चार बकरी की रहेगी, चार बकरी की, तीन बकरी की, चार बकरी की बराबर। चीज कैसा है मालूम क्या रोहित भाई, घोड़े को ना खिलाना पिलाने से ज्यादा है ना उसकी टेक केयर करना, बिकॉज उसके साथ तुमको घोड़े के साथ घोड़ा बनना है, जानवर के साथ जानवर बनना है, क्योंकि वो क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है, उसको कौन से मोमेंट पे कौन सी पोजीशन चाहिए, तुमको कैसी लगाम पकड़ना है नहीं पकड़ना, तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है घोड़े के रोल में। थोड़ा अब बकरा भाई को तो थोड़ा आप साथ में एक बार खाली एक नजर ऑडियंस को दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और कंसिस्टेंट माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ, मैं 1.5 घंटा मुझे हो गया यहाँ पे कंसिस्टेंट वो खा रहा है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, इसके लिए ना भाई वो रेड कैमरा डालना पड़ेगा रियाज भाई, ये मोबाइल के कैमरे में नहीं आने वाला। माशाल्लाह भाई, डर नहीं लगता आपको भाई? सेट है अपने पास। हाँ भाई, मैं इसकी सुना लात पर बहुत जोर से मारता, सीधा घोड़ा है, सीधा घोड़ा मारता है ना लात पर पीछे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, वो घोड़ा है ना रोहित भाई, कभी भी ऐसा समझ में नहीं आता, मैं बताता हूँ छोड़ो, घोड़ा कभी भी देखना ना, मुंडी उठाएंगे ना। अरे माशाल्लाह भाई, एक मिनट ऐसे ही रहो भाई, फोटो ले लेता हूँ, क्योंकि घोड़ा जब तक है ना भाई इतनी मुंडी नहीं उठाएगा ना, तब तक घोड़ा समझ में नहीं आएगा। जी जी जी, जब तक उसका भाई वाइड वाइड आइस में है भाई? नहीं भाई, ये बात समझ में नहीं आएगा, उसकी हाइट समझ में नहीं आएगी, अलग 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 अलग। जी मस्त है भाई, अपने अतीक भाई का शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह क्या नसर बोलेंगे उसको, नुकरा भाई, नुकरा भाई जी। अरे नहीं, एकदम प्यार मोहब्बत वाला यार, मैं सुना घोड़ी की लात पीछे की पड़ती तो भाई आदमी घोड़े मारते नहीं भाई, घोड़े को कैसा है मैं बोला ना, कंट्रोलिंग पे पूरा, घोड़े को कैसा पकड़ना है कैसा नहीं पकड़ना भाई। फर्स्ट टाइम ना नजदीक से कोई घोड़े को मैं हाथ लगाया हूँ भाई। नहीं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना पाला हो माशाल्लाह भाई, तो इनके फार्म पे घोड़े भी है माशाल्लाह, आइए इधर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कब से आपके भाई? अभी 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गया, ठीक है ठीक है। ये फार्म पे अभी आया है, तो घोड़ा पलाई पे ले तो नहीं, कोई तो चालू करो यार घोड़े पलाई मुंबई में, घोड़े के लिए भाई फिर जगह और बड़ी सी बड़ी सी। फोन फोन बज रहा है आपका, फार्म की जगह जो है वो अपनी चल जाती है, लेकिन पलाई के लिए फिर बड़ा फार्म, बड़ा फार्म चाहिए एकदम। अभी इनको कम से कम 2-2.5 एकड़ में खाली इनका राउंड के लिए घूमने के लिए फ्री मूवमेंट के लिए जगह चाहिए। सुल्तान माशाल्लाह, मजा दिल खुश हो गया रियाज भाई घोड़े को देख के भाई, और फर्स्ट टाइम मैं इतना क्लोज इतना हाथ लगाया वो व्हाइट घोड़े को, ब्लैक ब्लैक को लगाया था तो व्हाइट वाले घोड़े को। लुकरे का कैसा है ना भाई, थोड़ा लुकी है, लुकरे का शौकी लोगों को अलग रोता, अलग ही होता है। बाकी क्या है, पंजाब आता है और फिर पंच कल्याण आता है, वो सब घोड़े है अपनी अपनी जगह, सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई। क्या हाइट पर होगा ये भाई? ये लगभग क्या 55 हाइट होगी भाई, 50-55 होंगी, 55 माशाल्लाह। और घोड़े की हाइट ना भाई रोहित भाई, बकरों के तरह कमर से नहीं नापी जाती, घोड़े की हाइट यहाँ से नापी जाती, उतना मालूम है यहाँ से। सैडल भी है ना आपके पास? जी, लो लगाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह,
तो ये रहा अपने भाई एज गोड फार्म का टूर भी है, इसमें पलाई भी था, सेल वीडियो भी, बकरी भी थे और घोड़ा भी आपने शौक देख लिया, सब एक ही चीज में कर लिए। इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में कभी आऊंगा तो दोपहर में कभी इंशाल्लाह बनाएंगे अच्छी वीडियो, ठीक है। दिन में का व्यू है, सामने पूरा पहाड़, ग्रीनरी एकदम, यहां से व्यू बहुत अच्छा आता है। एक बार लास्ट अपना नंबर बोल दीजिए, 9702612059। आइए इनके फार्म पे विजिट कीजिए, एक नंबर फार्म है इसका और बहुत खस्सी लोग के लिए भी जगह है, पलाई और अपना केजेस भी है, घोड़े तो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत काम बचा हुआ है। हो जाएगा, दो तीन महीने में प्रोसेस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई टाइम देने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो।